आ शाम हो रहा है इसलिए हम 1000 रुपए सब भेज दिए माल, इसलिए कि ये बालू यहाँ का नहीं है, ये गढ़वा पलामू का बालू है, नोएडा जाता है। अब वहाँ पर निर्देश ठाकुर जी के आदमी से सेटिंग करके बालू लाए हैं, तो आखिर बलुआ से मांगना पड़ेगा। काला बाजारी से लिए हैं, देख रहे हैं ना, काला बाजारी से लाए हैं ना, बड़ी मुश्किल से बालू मिला है। तब जब ऐसो हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, 14 में बना चाहे 19 में बना, बालू सब ऐसो हवा, सोना से महंगा, चाउट से महंगा, सब महंगा हो जाता है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन है, ऐसे में तस्वीर इस वक्त आपको झारखंड विधानसभा की दिखा रही हूँ, जहाँ पर बीजेपी के विधायक बालू बेच रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ बाकी विधायक शशिभूषण मेहता है, उनसे जानते हैं कि 1000 रुपए किलो बालू बेच रहे हैं। देखिए, शाम हो रहा है इसलिए हम 1000 रुपए सब भेज दिए माल, इसलिए कि ये बालू यहाँ का नहीं है, ये गढ़वा पलामू का बालू है, नोएडा जाता है। अब वहाँ पर निर्देश ठाकुर जी के आदमी से सेटिंग करके बालू लाए हैं, तो आखिर बलुआ से मांगना पड़ेगा। और जिसको जरूरी है, घर छू रहा है और ज्यादा जरूरी है, उतले पे ना करेगा, ले रहा है भी क्या सब बालू का बालू नोएडा जा रहा है, यूपी नोएडा जा रहा है, सब उधर जाता है, यहाँ बालू नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे बालू की काला बाजारी, काला बाजारी से लिए हैं, देख रहे हैं ना, काला बाजारी से लाए हैं ना, बड़ी मुश्किल से बालू मिला है। अब इसलिए जो है, जब जब ऐसो हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, 14 में बना चाहे 19 में बना, बालू सब ऐसो हवा, सोना से महंगा, चाउट से महंगा, सब महंगा हो जाता है। अब इसलिए घर परिवार चलाना है, बाल बच्चा के दाल रोटी खिलाना है, तो बालू तो सब बेचना ही नहीं पड़ेगा, सस्ता सस्ता महंगा जो भी हो। आप लोग मंत्री मिथिलेश ठाकुर को कहे टारगेट? अरे मिथिलेश ठाकुर के इलाके से ना बालू लाए हैं, पलामू में गढ़वा से लाए हैं, तो मिथिलेश ठाकुर के हमारा तो उनसे बढ़िया ये संबंध है, तो उनको हमारा उनका आदमी महंगा का तो सस्ता बालू है, ये सस्ता है, पलामू के हिसाब से सस्ता है, हम राजधानी में ला के सस्ता बेच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो मुफ्त बालू की घोषणा कर दी है कि जो टैक्स से बाहर है, जो देखिए पहले भी बोले थे ना कि हम ऐसे पंचायत के माध्यम से देखे, कई गो के मिला, कुछ मिला, कथनी करी में अंतर है, इनका दलाल बिचौलिया इनका इतना हावी है कि कुछ नहीं मिलेगा इनको, ना कथनी कहनी ऐसा टाइम टाइम फीस हो गया, और बालू ऐसा कहीं भी एक ट्रैक्टर खरीद के दिखला दो, कोई कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, उनका आदमी से सेटिंग कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, आदमी से सेटिंग करने, हाँ सेटिंग सेटिंग करके हम लाए हैं ना, सेटिंग करके लाए हैं, सेटिंग करके उन मिनिस्टर ठाकुर जी के आदमी को, हाँ सेटिंग के तब एक ट्रैक्टर बालू मिला, ऐसे नहीं मिलता था। हाँ, तो बालू लेना है तो सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, अब सेटिंग करके हम लाए हैं, अब हमारा शाम हो गया, अब जा रहे हैं। बहुत बहुत देखिए, ये देखिए, ये टब है, इसके अंदर बालू है, लिए है, तराजू है, बटखरा है, और ये 1000 रुपए किलो जो है वो बालू दे रहे हैं। शशिभूषण मेहता बता रहे हैं कि पलामू में बालू की जिस तरीके से काला बाजारी हो रही है, ये अपने प्रदर्शन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। समरी लाल जी, बालू बेच लिए आप लोग? जितना बच गया अब कल बेचेंगे, महंगा है, कोई खरीद भी नहीं रहा है। झारखंड में बालू महंगा है? झारखंड में तो बालू महंगा है, फ्री है। आप लाके देखिए तो, आप जाके देखिए कितना, हर थाना में, ग्रामीण इलाके में जहाँ नदियाँ हैं, सब में छोटा छोटा गाड़ी बालू वाला पकड़ाया हुआ है, सब बेचारा लोग घर छोड़ छोड़ के भागा हुआ है, और हाईवा वाला नोएडा जा रहा है, बिहार जा रहा है यहाँ का बालू, और यहाँ का बालू पर ग्रामीणों का कोई हक नहीं। जो ग्रामीण यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहते हैं, जो ग्रामीण यहाँ पर अबू आवास बनाना चाहते हैं, लेकिन बालू कहाँ है? देखिए, शशिभूषण मेहता झारखंड विधानसभा के बाहर बालू बेचते हुए हाथों में इस तरीके से टब भरा बालू लिए हैं और इस बालू को बेच रहे हैं, बता रहे हैं कि झारखंड में कैसे काला बाजारी बालू की हो रही है, कितनी किल्लत है बालू की, और बालू उन्हीं को मिल सकता है जो सरकार का जिन्हें संरक्षण मिल रहा है, जो सरकार के साथ मिले हुए हैं, वैसे लोगों को ही बालू मिलेगा, और बालू झारखंड के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। बालू हाईवा से नोएडा जा रहा है, मुंबई जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, लेकिन झारखंड के लोग बालू के लिए तरस रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको झारखंड विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहाँ मानसून सत्र का अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन में बीजेपी का एक अनोखा प्रदर्शन झारखंड विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जहाँ आप देखेंगे कि बीजेपी के विधायक जो है वो आज बालू बेच रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया कि झारखंड के जो नॉन टैक्स पेइंग मेंबर हैं वो बालू मुफ्त में ले सकेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में बालू नहीं मिल रहा है आम लोगों को, और जो बालू मिल भी रहा है तो वैसे लोगों को मिल रहा है जो कि जिन्हें सरकार का संरक्षण मिल रहा है या फिर जिनके पास पैरवी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।